iPhone 14 Pro या फिर iPhone 15। तो गाइस बिग बिलियन डे सेल की डेट्स रिवील हो चुकी हैं, जो कि स्टार्ट हो रही है 7 और 8 अक्टूबर से, जिसमें आपको iPhone 14 Pro मिल सकता है 90,000 से 1 लाख के बीच में। वहीं न्यूली लॉन्च iPhone 15 आपको मिल जाएगा 80,000 रुपीस में और HDFC के कार्ड डिस्काउंट के बाद 75-76,000 में। तो भाई क्या आपको लेटेस्ट iPhone 15 खरीदना चाहिए या फिर 20,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करके लास्ट ईयर का प्रो वेरियंट लेना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड की। इन दोनों ही फोन्स का बैक ग्लास आपको फ्रॉस्टेड मिलता है। लास्ट ईयर का जो 14 था उसमें आपको ग्लॉसी मिलता था, लेकिन यहाँ iPhone 15 में आपको प्रो सीरीज वाला ही मैट टेक्सचर मिल रहा है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है। ऑफ कोर्स iPhone 14 Pro में आपको 3 लेंसेज मिलते हैं विथ अ लाइडार सेंसर, और वहीं iPhone 15 में आपको 2 लेंसेज मिलते हैं और यहाँ पे दोनों का ही कैमरा मॉड्यूल आपको ग्लॉसी मिलता है। iPhone 15 में आपको मैट टेक्सचर के साथ एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, वहीं iPhone 14 Pro में आपको ग्लॉसी एजेस मिलती है स्टेनलेस स्टील वाली, जिसको पहली नजर में देखोगे तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे फिंगरप्रिंट इंस्टेंट लग जाते हैं जैसे ही आप इसको हाथ में उठाते हो। मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे iPhone 15 का इन हैंड फील ज्यादा अच्छा लगता है। पीछे भी मैट है, साइड में भी मैट टेक्सचर है, तो भाई पकड़ने में काफी अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। ऑल्सो अगर कंफर्ट की बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, iPhone 15 के जो दोनों एजेस हैं ये आपको कर्व्ड मिलते हैं। मतलब दोनों फोन्स को अगर देखोगे तो ऐसा फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही दोनों को हाथ में उठाओगे डेफिनेटली iPhone 15 बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है हाथ में। 14 Pro में एकदम स्क्वायरी एजेस मिलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हाथ में गड़ता है। और अब भाई आपको इन दोनों ही फोन्स में डायनामिक आइलैंड मिल रहा है, यानी कि लास्ट ईयर प्रो सीरीज में जो डायनामिक आइलैंड मिलता था वो अब iPhone 15 में भी मिल रहा है। दोनों ही फोन्स की हाइट, विड्थ और थिकनेस आपको लगभग सेम ही मिलती है, लेकिन दोनों के वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। iPhone 15 है 171 ग्राम्स का और वहीं iPhone 14 Pro है 206 ग्राम्स का, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क मिलेगा आपको इन हैंड फील में। यहाँ पे ज्यादा अच्छा इन हैंड फील iPhone 15 का है, डायनामिक आइलैंड होने की वजह से ये आउटडेटेड भी नहीं लगता। डेफिनेटली एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया है नॉन प्रो सीरीज में। दोनों ही फोन्स IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, जिनको आप पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट। चलो बात कर लेते हैं इनके डिस्प्लेस की। iPhone 15 में आपको 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन को, HDR10 को, 1179x2556 के पिक्सल्स मिल जाते हैं, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 461 PPI है। वहीं iPhone 14 Pro में 6.1 इंचेस का LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है, ये भी सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन को, HDR10 को, लेकिन ये डिस्प्ले आपको प्रोमोशन वाला डिस्प्ले मिलता है, यानी कि ये जा सकता है 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक। iPhone 15 का जो डिस्प्ले है ये 60 हर्ट्ज तक जा सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क मिल रहा है आपको इन दोनों की रिफ्रेश रेट में। बाकी 1179x2556 के पिक्सल्स इसमें भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन अगर इन दोनों की ब्राइटनेस की बात करूं तो वो भी आपको एग्जैक्टली सेम मिल रही है, 1000 निट्स की नॉर्मल, 1600 निट्स की HDR और 2000 निट्स की पीक आउटडोर ब्राइटनेस मिल रही है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, बाकी iPhone 15 की जो बेजल्स हैं ये मुझे हल्की सी थिक लगी एज कम्पेयर टू iPhone 14 Pro, लेकिन ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। मतलब एकदम बहुत नजर गड़ा के देखोगे दोनों को साइड बाय साइड तब ये डिफरेंस समझ में आएगा, नहीं तो ये डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। और यहाँ पे अगर बात करूं 60 हर्ट्ज की, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपने iPhone 13 Pro पहले यूज किया है, इसके बाद अगर आप इस वाले फोन को हाथ में उठाते हो, तो डेफिनेटली जो फ्रेम्स हैं आपको यूज करते हुए वो जिटरिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि वो 60 हर्ट्ज आपको आंखों में फील होगा, लेकिन अगर आप किसी एंड्रॉइड से शिफ्ट हो रहे हो तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इस चीज की गारंटी है। भाई ये बात तो माननी पड़ेगी, एप्पल जिस तरीके का 60 हर्ट्ज प्रोवाइड करता है, इवन 120 हर्ट्ज भी एप्पल जो इसमें प्रोवाइड कर रहा है iPhone 14 Pro 15 Pro में, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, मतलब कि अलग ही लेवल की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते हैं इनके डिस्प्ले। तो भाई इस चीज के लिए हैट्स ऑफ टू एप्पल, iPhone 15 में आपको 60 हर्ट्ज की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली अंटिल आप गेमिंग करना चाहते हो 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज। बाकी दोनों के डिस्प्ले आपको लगभग सेम ही मिलते हैं, कलर्स वगैरह सारी चीजें बहुत ही अच्छी मिलती है, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ सेम है। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इन दोनों का चिपसेट। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फोन्स में आपको एग्जैक्टली सेम चिपसेट मिलता है, वो है A16 बायोनिक चिप। ये चिपसेट 4nm पे बेस्ड है और यहाँ पे अगर दोनों की रैम की बात करूं तो वो भी एग्जैक्टली सेम 6GB मिल रही है। दोनों में हेक्साकोर CPU, 5-कोर GPU मिल जाता है। तो चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले कर लेते हैं इनका Geekbench टेस्ट। और भाई Geekbench दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे कंप्लीट किया, और अगर यहाँ पे स्कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर्स में भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। iPhone 15 ने सिंगल कोर में 2500 एंड मल्टी कोर में
6068 स्कोर किया, वहीं iPhone 14 Pro ने 2630 एंड 6577 किया। तो यहाँ पे मल्टी कोर में 500 पॉइंट्स का डिफरेंस आया, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं मिला हमें। इसके बाद हमने रन किया जीपीयू टेस्ट, और जीपीयू टेस्ट में भी भाई दोनों ने बिल्कुल सेम टाइम पे कंप्लीट किया, और यहाँ पे दोनों के स्कोर्स भी 22900 के आसपास ही थे। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ पावर के मामले में आईफोन 15 आईफोन 14 प्रो के बराबर है। चलो कर लेते हैं दोनों में वीडियो एडिटिंग टेस्ट, और भाई वीडियो एडिटिंग टेस्ट में भी दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही कंप्लीट किया, माइनर सेकंड्स का डिफरेंस था। डेफिनेटली भाई दोनों के दोनों इक्वली पावरफुल फोन्स हैं। अब भाई इनकी पावर की बात हो रही है, तो चलो अब बात कर लेते हैं इनकी गेमिंग की। दोनों में ही गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अमेजिंग मिलने वाला है, कोई भी दोनों में दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे एक ही डिफरेंस मिलेगा, आईफोन 15 में आप 60Hz की गेमिंग कर सकते हो, वहीं आईफोन 14 प्रो में आप 90Hz और कुछ कुछ गेम्स में 120Hz तक की भी गेमिंग कर सकते हो, ऑब्वियसली बिकॉज वहाँ पे 120Hz का डिस्प्ले मिल जाता है। और अगर हीटिंग की बात करूँ तो 14 प्रो में थोड़ी सी ज्यादा हीटिंग मिल सकती है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील है वो थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। और अगर आपको मेनली गेमिंग के लिए ही देखना है तब आप आईफोन 14 प्रो की तरफ जा सकते हो। चलो बात करते हैं इनकी बैटरीज की। आईफोन 14 प्रो में मिलती है 3200mAh की बैटरी, और वहीं आईफोन 15 में मिलती है 3349mAh की बैटरी। तो यहाँ पे आपको 150mAh बैटरी ज्यादा मिल रही है आईफोन 15 में, जिसकी वजह से अगर बैटरी बैकअप कंपेयर करें तो आपको अराउंड 30 से लेकर 45 मिनट्स के आसपास का बैटरी बैकअप ज्यादा मिल सकता है आईफोन 15 में एज कम्पेयर टू आईफोन 14 प्रो। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं तो 5 से 6 घंटे के आसपास दोनों ही फोन आपको स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर देंगे। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है आप किस तरीके का यूज करते हो। हाई सेटिंग्स में गेमिंग करोगे तो डेफिनेटली भाई क्योंकि उसमें प्रोमोशन डिस्प्ले है, जिसकी वजह से आपको बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा, और वहीं भाई क्योंकि आईफोन 15 में ऑलरेडी 60Hz वाला डिस्प्ले है तो वो इतनी ज्यादा बैटरी कंज्यूम ही नहीं करता, जिसकी वजह से कभी कभी एक घंटा ज्यादा बैटरी बैकअप एक्स्ट्रा दे सकता है आईफोन 15 एज कम्पेयर टू आईफोन 14 प्रो। तो भाई ये पूरा डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर और किस तरीके से आप फोन चार्ज करते हो उसके ऊपर। ओवरऑल मैं बताऊं तो ज्यादा बैटरी बैकअप आपको आईफोन 15 में ही मिलने वाला है। चलो कंपेयर करते हैं इन दोनों के कैमरास को। दोनों ही फोन्स का प्राइमरी कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और आईफोन 14 प्रो में एक एडिशनल टेलीफोटो लेंस मिलता है 12 मेगापिक्सल का, जो कि आईफोन 15 में नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप दोनों ही फोन्स में 0.5x, 1x और 2x में फोटोज क्लिक कर सकते हो। टेलीफोटो लेंस के कारण आईफोन 14 प्रो में आप 3x तक फोटोज क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इनके कुछ कैमरा सैंपल चला के दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही कैमरास बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम कर रहे हैं, बस यहाँ पे आपको कलर एक्यूरेसी का थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। आईफोन 14 प्रो की स्किन टोन्स वगैरह मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी एज कम्पेयर टू 15, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो मुझे कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। मुझे दोनों के दोनों लेंसेज लगभग सेम ही दिखे, और सबसे बड़ी बात दोनों ही फोन्स में आप 48 मेगापिक्सल की हाई रेजोल्यूशन इमेज क्लिक कर सकते हो। तो लास्ट ईयर तक ऐसा होता था अगर आपको प्रो फोटोग्राफी करनी है तो आपको प्रो वेरिएंट्स की तरफ ही जाना पड़ता था, लेकिन भाई इस साल आईफोन 15 में आप 48 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक कर सकते हो, जो कि फोटोग्राफर्स के लिए भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोनों ही फोन्स में आप सिनेमैटिक मोड 4K 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों में ही एक्शन मोड मिल जाता है, सारे के सारे मोड्स मिल जाते हैं। आईफोन 14 प्रो में सिर्फ और सिर्फ आपको एक एडिशनल लेंस मिल रहा है, ऑल्सो प्रो रेज में वहां पे वीडियोस बनाने का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि भाई अगर आप एकदम प्रोफेशनल लेवल की वीडियोग्राफी करते हो, मतलब आप क्लाइंट्स वगैरह लेते हो इन सब चीजों के, तब हो सकता है प्रो रेज आपके काम आए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि 90-95% लोगों को उस प्रो रेज की जरूरत पड़ती है। जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो आईफोन्स की जगह पे कैमरा यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं मेरे हिसाब से। इसके अलावा चलो बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की जो कि आपको आईफोन 15 में मिलते हैं और आईफोन 14 प्रो में नहीं। सबसे पहला है टाइप सी पोर्ट। हाँ भाई, अब आप किसी भी चार्जर से, किसी भी एंड्रॉइड चार्जर से, वन प्लस के चार्जर से अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हो। हाँ, फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी, लेकिन भाई एटलीस्ट चार्ज कर सकते हो। एटलीस्ट उन लोगों के लिए रिलीफ है जो कि आईपैड और मैकबुक यूज करते हैं, अब आपको अलग अलग चार्जर लेने की जरूरत नहीं है, सेम चार्जर से आप सारी चीजें चार्ज कर सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको U2 चिप मिल रही है जो कि U1 से 3 गुना ज्यादा पावरफुल है, उसकी रेंज 3 गुना ज्यादा है, यानी कि आईफोन 15 को ट्रैक करना और भी ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है एज कम्पेयर टू आईफोन 14 प्रो। अब कर लेते हैं इन दोनों का साउंड टेस्ट। ये है आईफोन 14 प्रो का साउंड। और ये है आईफोन 15 का साउंड।
डेफिनेटली iPhone 15 ज्यादा लाउडर है एज कम्पेयर टू iPhone 14 Pro। तो चलो भाई बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो देखो भाई सीधा सीधा है, अगर तुम्हारी जेब में पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा फेंक सकते हो, तो डेफिनेटली फिर iPhone 14 Pro की तरफ जाओ। ऑल्सो अगर तुम उन लोगों में से एक हो जो कि भाई ये कैमरा सेटअप और ये जो एप्पल की आइडेंटिटी है ये अगर लोगों को दिखाना चाहते हो, तब तो भाई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें यही खरीदना पड़ेगा। 90 to 1 lakh रुपीज के आसपास ये खरीद सकते हो, ग्लोबल भी खरीद सकते हो, या फिर iPhone 14 Pro की जगह तुम iPhone 15 खरीद सकते हो जो कि तुम्हें एक साल ज्यादा अपडेट्स प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो इसका इन हैंड फील भी ज्यादा अच्छा है, ये फोन ज्यादा हल्का है, ज्यादा बैटरी बैकअप भी तुम्हें यही प्रोवाइड करेगा। इसका सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है, वो है 60 Hz, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी बॉदर करेगा अनलेस आपको इसमें गेमिंग करनी हो। तो भाई अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, तो मैं बोलूंगा अगर तुम्हारा बजट 1 लाख रुपए तक का है, iPhone 15 खरीदो, इसके साथ AirPods Pro खरीद लो। तो गाइस यही था आज का हमारा वीडियो, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।